बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, UHS की तरफ से MBBS और BDS के लिए अप्लाई करने की डेट अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे MBBS की कितनी सीटें हैं, BS की कितनी सीटें हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, रेसिप्रोकल सीट कौन सी हैं अंडर डेवलपमेंट, और दूसरी जो कोटा सिस्टम पे सीट्स हैं वो कितनी हैं, उन सारी पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो MBBS और BDS की डेडलाइन है अप्लाई करने की वो कौन सी है, और उसमें आपको किस किस तरह अप्लाई करना चाहिए। एक तो सीधा है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, आप अपनी प्रेफरेंस वगैरह देंगे, जो किस तरह करेंगे सारी पे हम बात करेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये लिंक है, इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं जी। पब्लिक नोटिस जो UHS की तरफ से जारी किया गया है उसमें डेडलाइन जो दे दी गई है सारी बातें वही हैं। ये जो नोटिफिकेशन में होंगी, जो पीछे आपने उनकी वेबसाइट देखी है वहाँ जाके आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी भी वेबसाइट आपके सामने है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है सारी रीड आउट कर सकते हैं। उस पर हम सीधा सीधा सी बातें करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, और आप जब अप्लाई करने बैठें तो आपके लिए कोई किसी भी किस्म का अवहम ना हो। UHS की वेबसाइट पे ही आपने अप्लाई करना है, वहीं पे ये नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने है। इसी को आप बकायदा गूगल पे सीधा लिखेंगे तो सीधा आपको नोटिफिकेशन पे ले जाएगा, उसके ज़रिए से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। MBBS और BDS प्राइवेट जो है किस तरह होगा, उनको आपको पता है कि प्राइवेट जो है उनका मेरिट इस साल और ज़्यादा कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का मेरिट बढ़ने के चांस हैं, लेकिन प्राइवेट जो है उनके मेरिट जो है वो कम होने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अप्लाई करने वाले एक तो स्टूडेंट बहुत कम हो जाते हैं, हर बंदा प्राइवेट नहीं कर सकता, तो जो प्राइवेट करना चाहते हैं वो उसमें अगर जाते हैं तो उनका मेरिट ईजिली बन जाएगा। अगर हम बात करें कि इनका शेड्यूल क्या है, तो आपके सामने अभी आपको नज़र आएगा कि शेड्यूल जब आपने अप्लाई करना है, तारीख का आगाज़ और इख्तिताम तारीख वो क्या होगी। कैटेगरी MBBS और BDS है। सबसे पहले गवर्नमेंट के अप्लाई करने की जो तारीख़ है MBBS की, अभी वो आप सामने आप नज़र आ रही है, आप देख भी सकते हैं 21 अक्टूबर 2024 को आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, और 4 नवंबर 2024 को जो है MBBS की अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी। और इसका जो शाम 4 बजे तक का टाइम है, आपने इसमें कोई इंतज़ार नहीं करना कि बड़ी डेट पड़ी है, हम इसको जो है अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही पोर्टल ऑन होता जाएगा आप तैयारी करना शुरू कर दें, अपने डॉक्यूमेंट जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था वो रेडी करके रखें, और जैसे ही डेट आए उसी वक्त उसी दिन पहले ही हफ्ते में आप इसको अप्लाई कर दें। और फिर जो अगर निजी मेडिकल कॉलेज हैं यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 5 नवंबर से आपकी एप्लीकेशन शुरू होंगी, उनके लिए पोर्टल ओपन होगा जो कि UHS की वेबसाइट पर ही होगा, और 19 नवंबर 2024 को इसकी आखिरी तारीख होगी, और ये भी शाम 4 बजे तक होगा। बाद लोग कहते हैं आखिरी दिन रात को कर लेंगे तो फिर उस तरह डेट निकल जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही पोर्टल ऑन हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके बाद जो गवर्नमेंट के डेंटल कॉलेज हैं यानी कि BDS के लिए हैं, वो 20 नवंबर 2024 को डेट शुरू होगी और 4 दिसंबर 2024 को इसकी आखिरी तारीख होगी। तो इसमें अगर आपका MBBS में नहीं आता तो BDS में आपका आ जाएगा, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, उनकी डेट ये है। और इसी तरह प्राइवेट डेंटल कॉलेज की जो 5 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 19 दिसंबर 2024 इनकी आखिरी तारीख होगी। इसमें मैं आपको फिर बताता चलूं कि बाद लोग कहते हैं कि हमारा MBBS में ही होना चाहिए, लेकिन MBBS नहीं, जैसे कि एक वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था, BDS भी कोई छोटी डिग्री नहीं होती है। इसमें ना तो आपको इमरजेंसी होती है, ना ही किसी और किस्म की ड्यूटी, बड़ी आसान सी ड्यूटी होती है और मॉर्निंग में ही ज़्यादातर होती है, तो इसका आपको बेनिफिट रहता है। तो नोटिफिकेशन जो किया गया है उसमें जो फार्मूला है वो वही है जो कि पहले और पिछले सालों में होता था, यानी कि 50% आपका MDCAT की परसेंटेज होगी, FSC की 40% है, और मैट्रिक की 10% है। इसके बाद MDCAT MBBS और BDS के लिए, MBBS के लिए 55% पासिंग मार्क्स हैं और BDS के 50% पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने अप्लाई करने का ये शेड्यूल है। हाफ़िज़े कुरान का पहली दफ़ा
मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखाई थी, ये नोटिफिकेशन में आप बात जो आ गई है इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद ये हैं रेसिप्रोकल सीट्स, आपसे कुरान के 20 नंबर होते हैं, इस दफ़ा भी उसको बरकरार रखा गया है। आप उसका नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें पढ़ लें, वीडियो में पीछे आपको दिखाया भी गया है, आप स्टॉप करके तो उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी ये जो सीट हैं ओपन मेरिट पर लिखी हुई हैं पहले में, फिर सारी आगे जो जो सीट्स हैं अंडर डेवलपमेंट है, बलोचिस्तान है, फाटा है या दूसरे सारी हैं, ये सामने हैं आपके, आप इनको देख सकते हैं ये सीट्स हैं किस कॉलेज में कितनी हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो पीछे आपने देखी MBBS की हैं और ये BDS की हैं, हर कॉलेज में अलग-अलग सीट्स हैं, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे तो आपका अगर इसमें मेरिट बन जाता है तो आप इसमें भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे ज़िले वाले भी इसमें कर सकते हैं, फाटा वाले, बलोचिस्तान वाले, अंडर डेवलपमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो वाले, वो सारी पीछे जो आपने चीज़ें देखी हैं वो 10-11 किस्म की हैं, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी सीटें तो सबके लिए थी, अब हम बात करते हैं कि टोटल जो ओपन मेरिट पे और दूसरी सीटें टोटल जो हैं वो कितनी हैं। ओपन मेरिट पे सीटें जो हैं 3333 हैं और कोटा जो है सारी सीटें मिला के वो 383 हैं। और ओवरऑल एंड अबव जो दूसरी चीज़ें हमने मिलाई हैं सारी पीछे जो आपको बताया है वो है 180। और इसके बाद जो सीट्स हैं इनकी किस तरह कोटा वगैरह किया गया है ये सारा कुछ हम पढ़ के नहीं बताएंगे आपको, आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन इसमें सारे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, अगर चोलिस्तान है, अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट है, रेसिप्रोकल सीट्स हैं, वो सारी की सारी हैं जो पीछे आपने एक चार्ट देखा है और ये UHS ने ही हमें दिया है। आप सब के लिए भी UHS की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जहाँ से मैंने लिया आप भी वहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी जो इनसी इनकी जो डेट है जो क्लासेस की वो MBBS की जो है वो 1 फरवरी 2025 से शुरू होंगी और BDS की जो है 1 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगी। इनकी जो डेट्स हैं अप्लाई करने की वो हम आपको बता चुके हैं। दूसरी ये सारी चीज़ें हैं जो अप्लाई करेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले, सॉरी दूसरे प्रोविंस वाले, वो सारी ये चीज़ें देखते हुए अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन फिर मैं भाई बात कर रहा हूँ कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं उनमें जो टोटल जो सीट्स हैं जो कि पंजाब वाले बच्चे जो दूसरे जो है सूबों में अप्लाई कर सकते हैं ये उनकी सीट्स हैं, आप अपने हिसाब से इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए इन में कोटा मौजूद है जैसे कि उनका इधर कोटा मौजूद है। और इसके बाद दूसरे जो कोटा मौजूद हैं जैसे कि PTAP सीट्स हैं, IAEOJK की सीट्स हैं या अफगान नेशनल वालों की जो सीट्स हैं वो हर कॉलेज की जो सीट्स हैं ये आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, आप इसमें देख सकते हैं। और कहीं पर तो हैं कहीं पर नहीं है, ये कॉलेज के हिसाब से हर कॉलेज के जितनी जितनी सीट्स हैं वो डिटेल जो है वो UHS ने यहाँ शेयर कर दी है। ये सारा नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें और देख लें अपने हिसाब से जो चीज़ आपको रिक्वायर है, और नहीं तो वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। डिजेबल जो हैं या फाटा वाले हैं या दूसरे जो भी रेसिप्रोकल सीट्स वाले हैं वो सारे ये पढ़ के तो फिर आपने अपने हिसाब से अप्लाई करना है। और इनकी जो डेडलाइन है वो हम पहले भी आपको बात बता चुके हैं, आप फाटा वाले या दूसरे लोग जो हैं या जो भी रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी ये डेट देख लें, और दूसरे भी जो हैं पब्लिक सेक्टर में या तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी किस्म की आपको अगर कमी कोताही हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा और जितनी जल्दी होगा उसके कमेंट में आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।